हे व्हाट्स अप एवरीवन एंड वेलकम टू रियलमी डायरी। तो आज की वीडियो में बात करेंगे लीनेज ओएस के बारे में। तो लीनेज ओएस 17.1 उसका लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे। काफ़ी फिक्सेस हुए हैं उसमें अपडेट में, तो पूरा बताऊंगा वीडियो में, तो वीडियो अंदर देखना। सो लेट्स बिगिन। ये खैर मेरा पहला रिव्यू है लीनेज ओएस पर। मैंने कभी पहला रिव्यू, इससे पिछले कभी रिव्यू नहीं किया, तो फर्स्ट रिव्यू है। और ये रियलमी वही फर्मवेयर है इसमें। और अबाउट फ़ोन में हम चलते हैं सीधा, और यहाँ पर अबाउट फ़ोन में एंड्रॉयड 10 और आपको देखने को मिलता है सिक्योरिटी पैच, आपको मिलता है 5 जुलाई का। और ये एक अनऑफिशियल बिल्ड है, अनऑफिशियल मेंटेनर कार्तिक। और यहाँ पर एक एक स्मूथ रोम होती है लीनेज ओएस में, कोई कस्टमाइजेशन आपको नहीं मिलती। मेरा लास्ट बिल्ड जो था, मैंने सब लास्ट यूज़ किया था, वो था 14.1 वर्जन लीनेज का 14.1, वो रेडमी नोट 4 के पे था। तो नोगट था उस टाइम पे, मे भी हाँ नोगट ही था या फिर ओरियो आ गया था, तब यूज़ किया था। तो कुछ भी कस्टमाइजेशन देखने को नहीं मिलती थी। लेकिन अब जो है पाई का तो मैंने यूज़ नहीं किया, और ओरियो का शायद मुझे याद नहीं है। नोगट के टाइम पे कुछ भी कस्टमाइजेशन देखने को नहीं मिलती थी, लेकिन अब एंड्रॉयड 10 में काफ़ी कस्टमाइजेशन देखने को मिलती है। जैसे हम यहाँ पर एक्सेंट कलर चेंज कर सकते हैं, और टॉगल को चेंज कर सकते हैं, और ये गेमिंग मोड हमें देखने को मिल गया है। पहले इसमें कुछ भी नहीं मिलता था। ऑन डिवाइस वॉलपेपर की बात करें तो यहाँ पर कुछ लॉस के वॉलपेपर्स देखने को मिलते हैं आपको, और यहाँ पर आपको स्टाइल देखने को मिल जाता है। इसमें आप कोई भी कस्टम बना सकते हैं, जैसे ये आपको फ़ॉन्ट 4 ही मिलेंगे इसमें। हर चीज़ जो है लिमिटेड ही होती है, और यहाँ पर इसको मैं ये सेलेक्ट कर देता हूँ। एक्सेंट कलर आपको इसमें फिर भी बहुत सारे मिल गए हैं, और कुछ भी कलर हम अभी लगा देते हैं, कोई भी बढ़िया सा, तो मैंने ये लगा देता हूँ मैं अभी। इसमें आपको टीयर ड्रॉप और ये स्क्वायर सर्कल ये कस्टम मिल जाते हैं आपको, आइकन शेप्स। तो ये देखिए मैंने चेंज कर दिया है। और यहाँ पर आपको टॉगल में बता दें तो यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आपको टॉगल में नहीं देखने को मिलता है। ये एम्बिएंट डिस्प्ले का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, डेटा सर्वर और नाइट लाइट, USB सेटिंग और सिंक का ऑप्शन, VPN सिस्टम प्रोफाइल, वॉल्यूम पैनल्स और गेमिंग मोड का ऑप्शन मिल जाता है। और ज़्यादा कुछ इसमें देखने को नहीं मिलेगा। और ये डार्क मोड हम इनेबल करते हैं एक बार, तो देखिए काफ़ी अच्छा लगता है मेरे को, ये यूज़ करने में बहुत अच्छी लग रही है रूम। जो हर चीज़ जो है क्विकली ओपन होती है, बिना लैग के सब कुछ एकदम फास्ट, कुछ भी चीज़ें ओपन करते हैं कुछ भी तो बहुत जल्दी से ओपन होता है एकदम बिना लैग के, कोई मतलब बिल्कुल कोई इशू नहीं है। और गेम में खेल के नहीं दिखाने वाला, क्योंकि अभी जो मेरे पास है नहीं। और यहाँ पर आपको रियलमी सेटिंग, इसमें आपको गेमिंग मोड देखने को मिलता है और FPS ओवरले। तो यहाँ पर आपको FPS दिख रहे होंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार फिर से। तो यहाँ पर आपको FPS दिख रहे हैं, अभी देखिए 1.5 FPS कुछ दे रहा है। तो ये FPS जो है रियल है, कोई फेक नहीं, बिल्कुल ठीक FPS शो करता है। तो FPS जो है बिल्कुल ठीक शो करता है। और अगर आपको डाउनलोड करनी है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और स्टेप्स भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप उसे वहाँ से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब हम एम्बिएंट डिस्प्ले देखते हैं कि आप क्या एम्बिएंट डिस्प्ले वर्क कर रही है या नहीं। तो मैं अभी एम्बिएंट डिस्प्ले इनेबल कर देता हूँ। तो ये रहा ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन, और मैंने जो इसे इनेबल कर दिया है। तो अब हम देखते हैं कि आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वर्क कर रहा है। तो यहाँ देख सकते हैं आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जो है वर्क कर रहा है अच्छे से। तो अब जो है हम डिवाइस साइड चेंज लॉक्स पे देखते हैं। तो सोर्स साइड चेंज लॉक्स में आपको जुलाई का सिक्योरिटी पैच देखने को मिलता है, और डिवाइस साइड चेंजेस में FPS इन्फो। तो डिवाइस साइड चेंज लॉक्स में आपको FPS इन्फो जो कि हमने दिखाया था, FPS और गेमिंग मोड था, और गेमिंग मोड जो है ऐड कर दिया गया है, और रिड्यूस टच डिले। तो टच डिले रिड्यूस कर दी हुई, मैंने पिछला यूज़ नहीं किया तो मैं बता नहीं सकता। और फिक्स्ड ब्लूटूथ मीडिया ऑडियो, तो ये फिक्स किया है, और कुछ फिक्स इसकी इम्प्रूवमेंट, और ज़्यादा कुछ तो खैर लीनेज में मिलता नहीं है देखने को। और
ये बाकी सब तो ठीक है, पर ये थोड़ा लॉन्चर मुझे ठीक नहीं लगता लीनेज में। खैर मैं इसमें दूसरा लॉन्चर डालने वाला हूँ। और खैर ये अगर आप डेली ड्राइवर में यूज़ करने वाले हैं तो बढ़िया है। और वोल्टी जो अच्छे से वर्क करता है, फिंगरप्रिंट की मैं एक बार बात करता हूँ तो जी ये देखिए क्विकली रिस्पॉन्स करता है। मैं टैप करता हूँ तो अभी एम्बिएंट डिस्प्ले मैं देखिए मैं टैप करता हूँ और मेरा फ़ोन जो अनलॉक हो जाता है। ये देखिए तो फ़ोन जो अनलॉक हो जाता है मैं टैप करता हूँ तो फिंगरप्रिंट जो है फास्ट है और वोल्टी इसमें अच्छे से वर्क कर रहा है। वोल्टी में कोई इशू नहीं है तो नेटवर्किंग सभी अच्छे से वर्क कर रही है, लोकेशन और बाकी सब। और यहाँ पर वॉल्यूम पैनल तो खैर पुराना वाला मिल जाता है। तो खैर बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। और गाइज अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और या फिर आप जो है टेलीग्राम पर लिख सकते हैं रियलमी एंडर सोर्स डायरी तो वहाँ पे भी आपको शो कर जाएगा। सो बस आज की वीडियो में इतना ही। और यहाँ पर मैं गेस्चर की बात कर देता हूँ तो गेस्चर ये देखिए अभी हम गेस्चर भी टेस्ट कर लेते हैं क्या अच्छे से जो है वर्क कर लेता है। तो हम वी में जो है कैमरा लगाते हैं तो वी में जो हमने कैमरा लगा दिया है तो शायद मुझे एम्बिएंट डिस्प्ले हटाना पड़ेगा। तो एक बार मैं एम्बिएंट डिस्प्ले हटा देता हूँ। तो अब देखते हैं क्या ये वर्क करता है। तो गेस्चर तो वर्क नहीं कर रहा खैर, तो शायद मे बी लॉक स्क्रीन पे करेगा क्या। तो गेस्चर तो खैर वर्किंग नहीं है, पता नहीं शायद किसी और तरीके से वर्क करता हो, देखना पड़ेगा। तो ये टच स्क्रीन गेस्चर डायरेक्ट कुछ और लगा के देखते हैं एक बार। तो मैं वी में कुछ और लगा के देखता हूँ। ओपन योर डायलर, तो ठीक है हम डायलर लगा के देखते हैं। तो ये वर्क नहीं कर रहा, मे बी शायद कुछ और तरीके से करता होगा। हाँ तो ये एक तो वर्क करा, खैर वर्क तो ऐसे ही करता है। तो मैंने एम टाइप किया तो एम एन डिस्प्ले जो है शो हुआ। वी में पता नहीं क्या हुआ, वी में शो नहीं हो रहा। तो वी में शो नहीं हो रहा है, कुछ इशू है, डायलर भी ओपन नहीं हुआ। तो मैं ओ में देखता हूँ एक बार तो ओ में जो है टॉर्च ऑन हो जाएगी। तो देखते हैं और टॉर्च हमारी ऑन होती है नहीं। तो गाइस देख सकते हैं टॉर्च हमारी ऑन हो गई है तो ओ से ऑफ भी हो जाएगी, नहीं ऑफ नहीं होगी, सिर्फ ये ऑन हो जाती है। और हमें यहाँ से मैन्युअली करना पड़ेगा। तो और भी काफ़ी सारे गेस्चर्स हैं और ये ए डब्ल्यू से हम देखते हैं व्यूअर मैसेजेस। तो डब्ल्यू हम टाइप करते हैं तो वाइब्रेट होता है आपका फ़ोन और ये देखिए लॉक स्क्रीन पे और सीधा जो है मैसेजिंग पे चला गया। वी में कुछ प्रॉब्लम है शायद, वी में पता नहीं क्यों नहीं ऑन हो रहा। ओपन योर ब्राउज़र करते हैं, चलो वी वी से कुछ नहीं हो रहा तो पता नहीं क्या है, वी में तो खैर ऑन नहीं हो रहा। तो बाकी सब तो ये वर्क कर रहा है। और बस आज की वीडियो में इतना ही। और गाइस अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और मिलते हैं अगले वीडियो में। और कुछ हमारी जो है अगली आने वाली है कुछ दिनों में एक मैं न्यू सीरीज़ मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, मतलब स्टार्ट करी थी मैं, उसको फिर से कंटिन्यू करने वाला हूँ। तो खैर बस आज की वीडियो में इतना ही और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।